नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल सीसीटीवी लॉक वाला, जो कि जाना जाता है ट्रस्टवर्दी सर्विस एंड रेस्पॉन्स के लिए। आज मैं आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक लेके आया हूं, जिसको आज हम फिंगरप्रिंट डिवाइस से कनेक्शन करेंगे। किस तरह से ओपन होता है, कैसे काम करता है, वो सब जानेंगे इस वीडियो में। ये रियल टाइम का TD-1D स्टैंड अलोन एक्सेस कंट्रोल डिवाइस है, विदाउट अटेंडेंस होती है मशीन। ये किसी भी गेट के किसी भी लॉक को ऑपरेट करने के लिए, चाहे वो मैग्नेटिक हो चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक हो। इलेक्ट्रॉनिक ये रखा हमारे सामने CP+ कंपनी का, और मैग्नेटिक ये लॉक है हमारा जो ग्लास डोर वगैरह पर लगता है। सबसे पहले कनेक्शन करते हैं। इसको हमने 12 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है फिंगरप्रिंट मशीन को। नीचे लिखा हुआ है 12 वोल्ट रेड और ग्राउंड, ब्लैक और रेड। 12 वोल्ट से ऑन कर दिया। इसको हमने अडेप्टर साइड में रखा हुआ है, ये अडेप्टर हमारा। जो कनेक्शन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक के लिए, जो कनेक्शन होते हैं, इसमें होता है ग्राउंड, NO और NC, कॉमन NO और NC। कॉमन रहेगा, NO को मतलब नॉर्मली ओपन, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक को लगाने के लिए NO पे कनेक्ट करना होता है हमें वायर को, तब जाके हमारा इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक ऑपरेट होता है इस डिवाइस के थ्रू। और वहीं जो NC होता है, कॉमन और NC, वो होता है हमारे मैग्नेटिक लॉक के लिए, इस तरह के डोर लॉक के लिए जो ग्लास डोर पे लगता है या फिर शीशे डोर पे लगता है, सिल्वर के डोर पे लगता है, उस तरह के लॉक के लिए। NC मतलब मैग्नेटिक लॉक के लिए और NO मतलब इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक के लिए। सबसे पहले साथ में एक रिले सप्लाई सही होती है, या चाहे रिले सप्लाई तो बेटर रहेगा, नहीं तो जो भी नॉर्मल स्विच वाली सप्लाई होती है वो भी यूज कर सकते हो आप इसके लिए, बट रिले करोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। मशीन पर लोड नहीं पड़ेगा आपका, इसकी रिले जल्दी खराब नहीं होगी, जो लोड पड़ेगा करंट के लिए इस पे पड़ेगा आपका। अब प्रोग्रामिंग लॉक खोल के दिखा दो किस तरह से करना होगा। लॉक की दो तारें लॉक पे आ गई रिले वाले सप्लाई पे, और जो स्विच की वायर है इससे जो NO और कॉमन और NO निकल रहा है वो स्विच की वायर होती है, जो कि हमारे रिले की सप्लाई की स्विच पे आ गई है। लॉक की लॉक पे जोड़ दिया है, और जो स्विच की वायर है डिवाइस से लेके एक्सेस डिवाइस से लेके कॉमन और NO, नॉर्मली ओपन और कॉमन, इनको स्विच पे डाल दिया हमने। मशीन ऑन है हमारी, सप्लाई ऑन करता हूँ एक बार, सप्लाई भी ऑन हो गई हमारी। पहले सबसे पहले कार्ड से लॉक ओपन करता हूँ, कट की आवाज ही, लॉक खुल गया हमारा। कट की आवाज, लाइट ब्लू हो गई, लॉक खुल गया हमारा। अब नंबर से करता हूँ 9988#, कट की आवाज, लॉक खुल गया हमारा। इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक काम कर रहा है CP+ कंपनी का, 9988#। पिन अगर हमें चेंज करना हो तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले प्रोग्रामिंग कार्ड लेंगे अपना, जो हमने आईडी बनाई थी पिन जनरेट करने के लिए। पहले *2 करेंगे, फिर आईडी 100 हमने 100 आईडी बनाई थी जनरेट करने के लिए पिन को, 100 फिर हैश, एक बार और हैश। अब 9988 काम नहीं कर रहा हमारा, काम नहीं कर रहा है, पिन जनरेट कर रहा हूं उसकी मैं। पहले प्रोग्रामिंग कार्ड लगाऊंगा, फिर एक आईडी बनाऊंगा, तीन डिजिट की कोई भी नंबर हो, कॉमन जो रख रहा 100 कर रहा हूं मैं, फिर हैश कर दूंगा 9696#, फिर एक बार और हैश। अब चेक करते हैं 9696, लॉक खुल रहा है हमारा, पिन चेंज कर दिया मैंने 9696#, दोबारा लॉक खुल गया हमारा। टाइमिंग कम करते हैं इसकी, काफी ज्यादा 5 सेकंड टाइमिंग करी हुई है हमने, टाइमिंग बढ़ानी पड़ेगी हमें इसके लिए। तो उसके लिए करना होगा हमें सबसे पहले प्रोग्रामिंग कार्ड, फिर *3, अब 1 सेकंड करेंगे 01, फिर हैश। टाइमिंग कम हो गई हमारी 9696, बस तुरंत हो गया ये 9696, टाइमिंग कम कर दिया। मैग्नेटिक लॉक के लिए टाइमिंग ज्यादा चाहिए होती है, इलेक्ट्रॉन डोर लॉक के लिए 1 सेकंड काफी है। 9696#, आधे से कार्ड से ब्लॉक खोल रहा है हमारा। कनेक्शन किस तरह से होते हैं, इसके पहले 12 वोल्ट से ऑन कर लेंगे, कॉमन और नॉर्मली ओपन। नॉर्मली और कॉमन इसी स्विच की वायर होती है हमारी, किसी भी स्विच पे कैसी भी सप्लाई हो स्विच पे कनेक्शन कर दोगे आप तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन लॉक काम करने लगेगा। रिले सप्लाई लगाओ ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो कोई भी सप्लाई से काम कर सकते हो।
थैंक यू।